हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ पहुँचे हैं दीघा ढेवसागर पार्क। ऐसे आपको तो पता ही है कि दीघा इज़ ए वंडरफुल कोस्टल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आज हम आ पहुँचे हैं ढेवसागर पार्क और देखने क्या क्या है इस पार्क के अंदर, क्यों ये आजकल इतना इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट बनने लगा है। तो मैं हूँ सोमा घोषाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर माई जर्नी। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। न्यू दीघा के जाखरनाला घाट के नजदीक ये ढेवसागर पार्क को बनाया गया है। ये पार्क बनाया है दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण ने 2019 में। 11 दिसंबर को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय ने इस जगह की नामकरण की थी ढेवसागर। एक बहुत सुंदर सा सजाया हुआ साफ सुथरा पार्क है। यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टैचू लगाया गया है और वैसे भी यहाँ में देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा झाऊ की पेड़ है, ग्रीन ग्रासेस है, जो यहाँ की ग्रीन ब्यूटी को और भी खूबसूरत बना दिया है। ये जो सुंदर सा रास्ता है ना, इस पर चलते हुए हम पहुंच सकते हैं ढेवसागर बीच पर। यहाँ से देखो तो सामने समुंदर भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। समुंदर की लहरों की प्रतिध्वनि, पंछियों की मीठी आवाज, समुंदर की ठंडी हवा, ये सब मिलाकर यहाँ में एक सुंदर सा सिचुएशन बन जाता है, जो आपको कुछ देर तक वहाँ ठहरने में मजबूर कर देता है। इस पर का ब्यूटी ये है कि जहां भी देखो तो ये ग्रीन ही ग्रीन है और दूर से समुंदर की लहरों की आवाज आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भी है। यहाँ बैठने के भी बहुत अच्छे से बंदोबस्त है और यहाँ बैठकर आप समुंदर की लहरों की आनंद भी ले सकते हैं। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। यहाँ सामने बहुत खूबसूरत है, आसमान भी बहुत रंगों की खेला चल रहा है और समुंदर, ये रंगीन आसमान मिलकर यहाँ की खूबसूरती इस शाम को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है।
अब वापस जाने का टाइम आ गया। जाने का मन तो नहीं होता, फिर भी जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना नए वीडियो के लिए। एंड तक हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।